हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। दोस्तों मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 23 अप्रैल 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके बारे में मैंने आपको कल बता ही दिया था कि इंडिया के जो भारतीय नौसेना कमांडर्स के बीच में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसका नाम होगा कर्टन रेजर, मतलब पर्दाफाश कर देना। कई प्रॉब्लम्स होती ना हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को दूर करने के लिए हो गई है। और ये पुलवामा अटैक के बाद, जैसे कि मैंने कल बताया था, किया जा रहा है। तो इसका आंसर है बी, ये कहाँ होने जा रही है, न्यू दिल्ली में। तो इसका आंसर बनता है बी। अब ये है, अब ये क्योंकि 23 से 25 अप्रैल के बीच होने जा रही है न्यू दिल्ली में, और ये नेवल कमांडर्स के बीच होगी। ठीक है दोस्तों, थीम होगा फंक्शनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन नेवी टुवर्ड्स इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए, मतलब अच्छी बेहतर तरीके से काम करने के लिए। अब सबसे पहले आता है पहला क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहा सोलर पेबैक परियोजना। सोलर पेबैक परियोजना किस द्वारा फाइनेंस की जाती है, वित्त पोषित की जाती है, मतलब इसको पैसा कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों समाचारों में रही सोलर पेबैक योजना को पैसा मिलता है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल द्वारा। तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है दोस्तों, अभी अंतर्राष्ट्रीय पहल और सोलर पेबैक परियोजना है क्या। दोस्तों सोलर पेबैक परियोजना के अंतर्गत जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो उद्योग होते हैं, उनको जो उद्योग को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा है कि सोलर हीट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन SHIP एक प्रमोशन का प्रोजेक्ट एक तरह का, ठीक है, जिसमें साउथ अफ्रीका, इंडिया, मैक्सिको जैसे देश भाग ले रहे हैं ताकि उनके जो उद्योग हैं वो सौर ऊर्जा पर चल सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब जो ये इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव है, ये जर्मनी द्वारा शुरू किया गया है। इट इज़ रेजिंग अवेयरनेस ऑफ टेक्निकल एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ SHIP टेक्नोलॉजीज, मतलब कि उद्योगों को सोलर ऊर्जा पर चलाने की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉमेडियन, किस देश का कॉमेडियन उस देश के राष्ट्रपति के चुनाव का कैंडिडेट बन के खड़ा हुआ है। तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी देश का कोई कॉमेडियन उस देश का राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के तौर पर खड़ा हुआ हो, तो ऐसा हो रहा है यूक्रेन में। तो इसका आंसर बनता है ए। अब कौन बनने जा रहा है, ये देखिए, ये वो व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं बनते हैं कि नहीं, फिर आपको बताएंगे। अब आपके सामने आता है तीसरा क्वेश्चन, वो क्या है कि समाचारों में रहा, रिसेंटली न्यूज समाचारों में रहा है कि कौन से एशियाई देश में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। दोस्तों अभी कल श्रीलंका में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का मतलब कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, और ये दुनिया के बहुत बड़े धमाकों में से एक माना जा रहा है और बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है, जिसमें वहाँ की शहर बाटिकलाना, नेगोम्बो, कोलंबो जैसे शहरों में बहुत सारे हजारों 192 लोगों के मरने की बात आई है। ठीक है दोस्तों, 170 आए हैं, और पूरी दुनिया ने इसके ऊपर कहा है, इसके ऊपर ISIS के ऊपर शक हारा है, सात आतंकवादी लोगों को पकड़ा भी है, और कई सारी डिटेल यहाँ पे है, जो भी आपको चाहिए आप निकाल सकते हैं। तब आता है चौथा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड हैज़ बिकम द स्टॉप ओवर ईस्ट एशियन बर्ड। दोस्तों फॉर ईस्ट एशियन बर्ड, देखिए ईस्ट एशिया से जो पश्चिमी एशिया, जो पूर्वी एशिया से बर्ड पक्षी चलते हैं, जो माइग्रेंट होते हैं, उसने इंडिया में कौन से आइलैंड को अपना एक रुकने के लिए एक स्थान बना लिया है, तो वो बनाया है अंडेमान निकोबार ने। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो ये अंडेमान निकोबार ने माइग्रेशन के अंतर्गत ये बनाया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना होगा कि एक ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे होता है। ये एक क्या है कि ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन एशियन फ्लाईवे क्या है कि जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, जो माइग्रेट करते हैं, पलायन करते हैं, ठीक है, एक मौसम के अनुसार, तो उसके अंतर्गत ये आता है। इसका मतलब यही है कि जो पक्षी होते हैं वो पलायन करते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए, या फिर बच्चे पैदा करने के लिए, या खाने के लिए, या ठंड से बचने के लिए, या गर्मी से बचने के लिए, तो ये उसके अंतर्गत आता है। उसी के अंतर्गत उन्होंने अंडेमान को अपना एक नया बनाया है लक्ष्य रुकने के लिए। ये देखिए, ये उसका सारा रास्ता है। अब आपके सामने आता है पांचवा क्वेश्चन, वो क्या है कि हाल ही में एक्जियम बैंक ने निम्नलिखित में से किस देश को
266 मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया है। तो दोस्तों एक्सिम बैंक ने रवांडा को 266 मिलियन का सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया है, तो इसका आंसर बनता है ए। अब ये रवांडा के बारे में देख लें, देखिए रवांडा की कैपिटल किगाली है, करेंसी फ्रैंक है, वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम पोल है, वहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट करिशिम्बी, वहाँ का लोएस्ट पॉइंट राउजीजी रिवर है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है नयाबोरोंगो, और वहाँ की जो लेक है वो कीवू है, ठीक है दोस्तों। अब जो ये प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिया गया है, फंडिंग डोन इज द 3 सेपरेट ट्रांच टू रवांडा इज टू सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत ये पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब छेवा को, अब ये रवांडा भारत के नक्शे पे है कहाँ पर, अब ये देखिए रवांडा, ठीक है दोस्तों। अब आता है छेवा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि एशियाई टी अलायंस, एशियाई चाय अलायंस को निम्नलिखित में से किस देश में लॉन्च किया गया। तो दोस्तों एशियाई चाय अलायंस को चाइना के अंदर लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर बनता है ए। इसकी पार्टनर कंट्रीज कौन सी है, इसकी पार्टनर कंट्रीज कौन सी है, एक तो इंडिया भारत है, चाइना है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, जापान है, ठीक है। इनका मकसद है कि एक तो इसमें ट्रेड को, व्यापार को बढ़ावा देना, कल्चर को बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, ठीक है, ताकि ये चाय के व्यापार को और अच्छे तरीके से बढ़ा सके। तो अब हम चलते हैं आगे। अब आता है आपके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे, वो क्या है कि कौन से भारतीय बैंक ने NRIO के लिए, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, पेपरलेस बिना कागजों के अकाउंट को ओपन करने की सुविधा प्रदान की है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।